नमस्कार, मैं मोनू पांचाल और आप जो है जिस तरीके से देखा जाए तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि धान की रुपाई जो है वो यहाँ पर की जा रही है। जिस तरीके से हमारी टीम जो है मार्केट टाइम्स टीवी जो है वो देश भर में जो है वो धान का सर्वे करने के लिए पहुँची है और आज हम जो है हरियाणा के फरीदाबाद यानी कि फरीदाबाद के गाँव सागरपुर में पहुँचे हैं और जिस तरीके से कितने रकमे में आखिरकार धान लगाई जा रही है, किस तरीके की धान लगाई जा रही है, कौन कौन सी धान लगाई जा रही है और आप इन तस्वीरों भी देख सकते हैं कि रोपाई का काम जो है वो किसान करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम तरीके से यानी कि तैयार भी कर दी गई है कि आखिरकार फसल अब पूरी तरीके से कहीं ना कहीं बनना शुरू हो जाएगी, तो इस तरीके से काम जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और जिस तरीके से देखा जाए तो हम इस समय जो है फरीदाबाद के गाँव सागरपुर में जो है वो मौजूद है। आखिरकार किस तरीके से कौन कौन सी जो है वो धान लगाई गई है, धान की बात की जाए तो 1121, धान की बात की जाए चाहे वो 1109 की 1509 की बात की जाए, तो तमाम तरीके से कौन कौन सी धान लग रही है और इसी को लेकर के हमारे किसान से भी बात करेंगे। किसान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिर किस तरीके से कौन कौन सी धान है और कितना जो है 2023 पे भी आंकड़ा डालेंगे कि 2023 की फसल कैसी रही है और 2024 में आने वाली 2024 जो है जिस तरीके से रोपाई जो है वो धान की जा रही है, इसमें जो है कितना फ़ायदा रहेगा इस साल, तो इस बार को भी जानते हैं। क्या नाम है बाबा आपका? ब्रजपाल सिंह। ब्रजपाल जी हैं बाबा, देखा जा रहा कि किस तरीके से जो अब की बार जो है वो धान यहाँ पर लगाई जा रही है, किस तरीके के कौन कौन सी धान लगाई जा रही है यहाँ पर? 1121, 1718 और 1509 भी लगाएंगे, अभी थोड़ा सा लेट लगाएंगे उसे क्योंकि वह ऐसी किस्म है। तो सबसे ज़्यादा कौन से नंबर की धान यहाँ पर लगाई जा रही है? ये 1121 लगाई जा रही है। बाबा, अगर 2023 की बात की जाए तो पिछली बार की जो फसल है और इस बार की फसल में कितना फ़ायदा देखने को मिलेगा अभी इस बार? ये परमात्मा के और बारिश के ऊपर है, बिजली कम बहुत कम मिलती है, सरकार बिजली नहीं देती, किसान बिजली की ओर से दुखी है। अब आपके सामने जनरेटर से जो है धान लगा रहे हैं वाते जी, इन्विनेटर से। बाबा, आप पे कितनी ज़मीन है और कितनी एकड़ में आपने जो है वो धान की फसल लगाई और कौन कौन सी लगाई है? 1121 लगा रहे हैं जो है, अभी तो जो है 15 एकड़ में लगा चुके हैं और अभी लगाएंगे। आज बात की जाए तो फरीदाबाद में जिस तरीके से आपने नंबर बताए हैं तो इसके गैर जो नंबर यानी कि बासमती चावल जो अलग वैरायटी के होते हैं उनकी भी फसल यहाँ पर कराई जाती है? हमारे यहाँ तो ज़्यादातर 1121 और 1509 और 1718 ही लगाई जाती है। परमल की खेती हमारे यहाँ बहुत कम की जाती है, क्यों? अब परमल जो है मशीन से कटता है, मशीन जो आती नहीं है टाइम पे। जी बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए तो बाबा, जिस तरह देखा जाए तो 2023 में जिस तरीके से कुछ सीजन जो रहा है धान का और कहीं ना कहीं एक अलग तरीके से उसमें भी जो है नंबरों की बात की जाए तो 1121 और 1509 का जो है वो फसल बोई गई थी, तो इस बार भी कोई हट करके बोई गई है ना? हम तो यही तीन फसल लगाते हैं। ये तीन फसल लगाते हैं तो कहीं ना कहीं अब की बार सही रहा है। हाँ बिल्कुल, जो आप पता लगेगी अब देखो परमात्मा के ऊपर है, अकबर कैसी बारिश होती है कैसी नहीं है, ये तो जो है ईश्वर ही बताएगा। अगर बिजली टाइम पे मिली गई किसान को तो ज़्यादा अच्छी फसल हो जाए, तो मानसून के चलते अच्छी फसल होगी। हाँ देखो मानसून आई तो अब ठीक है टाइम पे, हाँ अगर जो है सही हुई तो बारिश जो है ठीक ही फसल होगी। जी हाँ? जी बिल्कुल, देखा जा रहा है कि चालू सीजन है, मानसून का बेहतर सीजन जो है वो शुरू हो चुका है। जिस तरीके से देखा जाए तो अनुमान जो है वो यही लगाया जा रहा है कि क्योंकि 2023 के मुकाबले को लेकर के 2024 का जो धान की जो फसल रहेगी वो अच्छा मुनाफा यहाँ पर लेकर के किसानों के लिए फ़ायदा ज़रूर होगा, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो ज़्यादातर मिलने का अच्छी बारिश होगी, ये भी अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से। और देखा जाए तो जिस तरीके से 1121 और 1509 की जो धान की फसल है वो फरीदाबाद के ज़िले में जो है वो सबसे ज़्यादा बोई जाती है, तो इस तरीके से देखा जाए तो लगातार जो किसान है वो धान की रोपाई करने में लगा हुआ है। 2023 के आंकड़ों की बात की जाए तो जिस तरीके से देखा जाए तो हरियाणा के फरीदाबाद ज़िले में जो है वो लगभग 23,500 एकड़ में जो है वो धान की रोपाई की गई थी। और बात की जाए तो कौन कौन सी फसल जो है वो 2023 में की गई थी, बासमती की चावल की बात की जाए तो बासमती जो है वो 11,000 जो है वो बासमती चावल जो है वो लगभग यहाँ पर देखने को मिला। वहीं बात की जाए तो 310
हेकर की बात की जाए तो वो भी जो है वो अन्य गैर बासमती चावल जो है वो यहाँ पर लगाया गया है। तो तमाम तरीके से बात की जाए तो अलग अलग तरीके से जो धान है वो यहाँ पर लगाई गई है। और वहीं बात की जाए तो तमाम चीज़ों को लेकर के 2024 की भी बात की जाए तो 2024 में भी जो है वो धान की फसल यहाँ पर लगाई जा रही है। वहीं बात की जाए तो दोबारा से जो फरीदाबाद में जो है वो धान की 2024 में जो है वो धान की फसल लगाई जा रही है। और उसमें भी जो है वही 23,500 एकड़ में जो है वो धान की फसल लगाई जा रही है। वहीं बासमती की बात की जाए तो बासमती चावल जो है वो 860 हेक्टेयर में जो है वो लगाई गई है। वहीं गैर बासमती की बात चावलों की बात की जाए तो धान की वो जो है 20 हेक्टेयर में जो है वो लगाई गई है। तो तमाम तरीके से देखा जाए तो 2023 से लेकर के 2024 के जो आंकड़े हैं वो लगातार कहीं ना कहीं जो है मिलते जुलते हुए नज़र आ रहे हैं।